नमस्कार, ओम शांति। पीस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रेया। बुलेटिन की शुरुआत से पहले देखिए अहम खबरों की हेडलाइंस। हरियाणा के फरीदाबाद में बीके सदस्यों की राष्ट्रपति जी से मुलाकात। प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरज कुंड मेले का उद्घाटन करने पहुंची थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। मुंबई के बोरीवली वेस्ट में स्ट्रेस फ्री लाइफ विषय पर भव्य पब्लिक प्रोग्राम। मोटिवेशनल स्पीकर बीके श्रेया रही कीनोट स्पीकर। मुंबई के रिजॉर्स इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों के लिए साइकिल रैली। प्रमा कुमारी को भी विशेष निमंत्रण। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प सूरज कुंड मेले का उद्घाटन करने पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का स्वागत मेले में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने किया। इस दौरान हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय एवं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। हरियाणा की बीके हरीश दीदी और बीके उषा दीदी ने राष्ट्रपति जी का स्वागत शॉल पहनाकर और पुष्प गुच्छ के साथ किया। दरअसल सूरजकुंड मेले में प्रतिवर्ष ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से लगातार आध्यात्मिक सेवाएं की जा रही हैं। इसी की जानकारी बीके प्रीति और बीके रंजना बहन ने राष्ट्रपति मुर्मू जी को दी, जिसे सुनकर राष्ट्रपति जी ने अपनी खुशी जाहिर की। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी सेवा समाचार सुनकर संस्था की प्रशंसा की। मुंबई के बोरीवली वेस्ट सेवा केंद्र की ओर से अलविदा तनाव स्ट्रेस फ्री लाइफ टॉपिक पर एक सक्सेसफुल टॉक शो किया गया, जिसमें एमएलए मनीषा चौधरी, हंसराज जीवन दास कॉलेज के प्रिंसिपल गीता शेट्टी, नगर सेवक जितेंद्र पटेल, बीजेपी महिला मंडल की वाइस प्रेसिडेंट दीपा पाटिल, एसएम स्टील कंपनी के फाउंडर सतीश शाह, बिजनेसमैन मलिक लखानी, डीसीबी बैंक के ब्रांच मैनेजर आसिफ लालानी, पीएनबी के ब्रांच मैनेजर संचिता चक्रवर्ती, बैंक ऑफ अमेरिका के ब्रांच मैनेजर प्रशांत महादेश्वर, प्रेसी स्पोर्ट्स के ओनर प्रेसी अंकल विशेष तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राघविंदर जी के मधुर गीतों से हुई। इसके बाद सेंटर प्रभारी बीके बिंदु ने सभी मेहमानों का स्वागत कर कहा कि आजकल के अनिश्चित और भागदौड़ भरे जीवन में सब कुछ करते हुए अपने मन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। ये मन की शांति, मन की खुशी, दिल का प्यार, बस ये वही नींबू की तरह है। भागते हुए, कमाते हुए, सारे घर को संभालते हुए, कार्य व्यवहार को संभालते हुए बहुत जरूरी है कि उस शांति को, उस खुशी को, उस दिल के प्यार को हम बनाए रखें। चल के तुझे मैं लेके चलूं, दुख ऐसी गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार चले। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मोटिवेशनल स्पीकर बीके श्रेया ने सभी को कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहने के तरीके बताए। उन्होंने कहा कि तनाव हमारे अपने मन की कमजोरी है, इसलिए हमें मेडिटेशन से अपने मन को शक्तिशाली बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उन्होंने सभी भाई बहनों को राजयोग मेडिटेशन कोर्स के लिए आमंत्रित भी किया। मंच का संचालन बीके पिंकी बैरोट ने किया। कार्यक्रम में लगभग 450 लोगों ने हिस्सा लिया। जीवन एक यात्रा है, इस यात्रा में उतार चढ़ाव आने ही वाले हैं। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ सिचुएशन, एक के बाद बात आती रहती है, उसको इतनी बड़ी बात नहीं बनानी है। पहाड़ को राई बनाना है, राई को रोई बनाना है और फूक मार के उड़ा देना है। ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो का दिव्यांग बच्चों ने अवलोकन किया। लगभग 30 से अधिक बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ गॉडलीवुड स्टूडियो पहुंचे। देखिए और सुनिए कैसा लगा आध्यात्म का पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करने वाले प्रोडक्शन हाउस गॉडलीवुड का अवलोकन करके। ब्रह्मा कुमारी का दिव्यांग सेवा प्रभाग लंबे समय से दिव्यांगों की सेवा कर रहा है। इसी कड़ी में स्पेशल चाइल्ड्स का एक ग्रुप मुंबई के डोंबिवली से आबू रोड मनमोहिनी वन पहुंचा। इस ग्रुप में डोंबिवली के 2 स्पेशल स्कूल अस्तित्व और सतीश के 180 लोग थे, जो मेडिटेशन का लाभ लेने यहां पहुंचे थे। इस समूह में स्कूल स्टाफ, दिव्यांग बच्चे और उनके पेरेंट्स भी मौजूद थे। बच्चों को यहां लाए टीचर यह देखकर हैरान थे कि बच्चे जो कि बौद्धिक बाधित हैं,
वे कैसे इस आध्यात्मिक वातावरण में शांत होकर अपनी दिनचर्या को कर रहे थे। उनका खाना, घूमना, फिरना सब कुछ यहाँ आकर लगभग नॉर्मल बच्चों जैसा था। ये स्पेशल बच्चे हैं, वो हाइपर होते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ के देख रही हूँ, इतने अभी बच्चे लेके आप लोग आए, उनकी शांति से सब यूज कर रहे हैं। अच्छा, अच्छी तरह खाना खा रहे हैं, अच्छे घूम रहे हैं, अच्छे बातें कर रहे हैं, और उसके फेस पे थोड़ा चेंज लगता। इन बच्चों में से 30 बच्चों के एक ग्रुप ने गॉडलीवुड स्टूडियो भी विजिट किया और वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के बारे में जानने के साथ ही गॉडलीवुड स्टूडियो की फिल्म द लाइट का ट्रेलर भी देखा, जिसे देखने के बाद ये बच्चे बेहद खुश नजर आए। आज हमारे पास मुंबई से, डोंबिवली से दो स्कूल के बच्चे आए हैं। पहला स्कूल अस्तित्व, जिसके 17 बच्चे आए हैं, और दूसरा स्कूल क्षितिज, जिससे 36 बच्चे आए हैं, टोटल 53 बच्चे। ये बच्चे सभी इंटेलेक्चुअली चैलेंजेड, जिसे हम बुद्धि बाधित कहते हैं, इनका नॉमेनक्लेचर अभी IC कहते हैं, इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड। ये बच्चे हमारे ब्रह्म कुमारीज में वहाँ के लोकल सेंटर के दीदी और उनके सहयोगियों के साथ आए हैं। अपने पेरेंट्स, टीचर्स और जो हेल्प करने के लिए हैं स्टाफ, उनके साथ टोटल 180 लोग आए हैं। इनको हमने आज 6 अलग अलग एक्टिविटी में डिवाइड किया, 30 पर ग्रुप। उसमें से ग्रुप नंबर ई, जो गोल्डन ग्रुप है, वो यहाँ आया है। इसमें करीब 30 का स्ट्रेंथ था, लेकिन 30 से ज़्यादा हो गए बच्चे। इनको अलग अलग जगह हमने स्टूडियो दिखाया, नीचे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के बारे में बताया, फिर यहाँ प्रीव्यू थिएटर में आए, अच्छे अच्छे सीख और एनिमेशन फिल्म देखा, ब्रह्म कुमारीज का जो भी हिस्ट्री है वो देखा। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, पिछले 2 दिन से हमें, आज दूसरा दिन है इनका, इनमें एक डेफिनेटली पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट है। फाइनली इनको हम 9th को हम असेस करेंगे कि इनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। इस बीच में हम स्पार्क विंग से भी उनको असेसमेंट के लिए बुलाया, करीब 20 से 22 बच्चे, टीचर एंड स्टाफ सबका हमने ऑलरेडी असेसमेंट करके रखा है 6 तारीख को। फिर 9 तारीख को हम दोबारा करेंगे और देखेंगे कौन से कैटेगरी में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, और उस हिसाब से हम इसको आगे भी यूज़ कर सकेंगे और अच्छी तरह हम अपने जो भी हम शिक्षाएँ दे रहे हैं उसको इम्पार्ट करने में। ब्रह्मा कुमारी दिव्यांग सेवा प्रभाग का हमेशा से यह लक्ष्य रहा है कि वो दिव्यांगों को भी परमात्मा का परिचय दे। इसी के मद्देनजर इस बार इन खास बच्चों के लिए मुख्यालय में खास कार्यक्रम रखा गया था, और इस प्रोग्राम की वजह से इन खास बच्चों में काफी पॉजिटिव चेंज भी नजर आया। मुंबई के रिजॉयस इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों के लिए स्पोर्टिव किड्स साइक्लोथॉन के आयोजक सागर समेत कई आयोजकों ने साइकिल रैली का आयोजन किया, जिसमें मलाड वेस्ट की प्रभारी बीके निर्जा को भी विशेष निमंत्रण मिला। पर उन्होंने बच्चों को मेडिटेशन कराकर उनका उमंग उत्साह बढ़ाया, साथ ही बीके मीना ने भी अपने आशीर्वचन दिए। इस कार्यक्रम का शुभारम्भ आयोजक सागर भाई और ब्रह्मा कुमारी की ओर से विशेष आमंत्रित बीके निर्जा बहन ने अतिथियों के स्वागत के साथ किया। इस मौके पर रिजॉयस इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन अमित डड्डा भी विशेष मौजूद रहे। कई चरणों में हुए इस आयोजन में जहां ब्रह्मा कुमारीज के लगाए गए स्टॉल पर बच्चों ने अलग अलग वैल्यू गेम्स खेले, तो वॉइस आर्टिस्ट सोनल कौशल ने कई कार्टून कैरेक्टर्स की आवाज निकाल कर बच्चों का खूब मनोरंजन किया। इसी तरह शनिवार की सुबह आयोजकों ने बच्चों के लिए एक विशेष साइकिल रैली साइक्लोथॉन का भी भव्य आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी श्रृंखला में एक कार्यक्रम माइंड स्पेस गार्डन में किया गया, जिसमें बांगूर नगर के पुलिस इंस्पेक्टर अरुण सावंत ने साइकिल और मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दी। रैली मलाड लिंक रोड से एवरशाइन नगर और आदर्श नगर, मारवे रोड व लिबर्टी गार्डन से होते हुए अंत में ब्रह्मा कुमारी फ्लेमिंगो सेंटर पहुंची। यह रैली ब्रह्मा कुमारी के यातायात व परिवहन विभाग द्वारा
सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय पर मलाड से आयोजित की गई थी। चलिए अब जल्दी से डालिए कुछ और खबरों पर एक नजर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में व्यसन मुक्ति के लिए चलाए जा रहे निजात अभियान के एक साल पूरे होने पर कृषि महाविद्यालय परिसर में हुआ कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के सदस्यों को किया सम्मानित। टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू दीदी ने इस मौके पर कहा कि पुलिस प्रशासन परिवार के सदस्य की तरह चला रही है अभियान। ब्रह्मा कुमारी संगठन के साथ साथ विभिन्न स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा नशा उन्मूलन पर केंद्रित नृत्य नाटिका और गीत की दी गई प्रस्तुति। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, बिलासपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति ADN वाजपेयी, ASP संतोष सिंह, ASP अर्चना झा, CSP पूजा कुमार, DSP मंजुलता किरकेट्टा, इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय की डीन समेत विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में कॉलेज के युवा छात्र छात्राएं रहे उपस्थित। आगरा के RCM ग्रुप कंपनी की ओर से ब्रह्मा कुमारी आर्ट गैलरी म्यूजियम की BK बहनों को किया गया सम्मानित। RCM ग्रुप महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर देती है जोर। भोपाल से आए डॉक्टर बीके रमेश देवानी ने भी लिया कार्यक्रम में भाग। बीके मधु, बीके माला ने कहा कि राजू मेडिटेशन अभ्यास से होता है मन एकाग्र। RCM संचालकों ने राजू मेडिटेशन सीखने की जाहिर की इच्छा। महाराष्ट्र के चोपड़ा शहर में शिव कृपा कॉट स्पेन के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल। ब्रह्मा कुमारी चोपड़ा सेवा केंद्र की बीके मंगला ने मंत्री जी का स्वागत करते हुए भेंट की ईश्वरी सौगात। ग्राम विकास व पंचायत राज पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन और मदद व पुनर्वसन आपत्ति व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटिल को भी किया सम्मानित। दिल्ली के पीतमपुरा सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कई स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम। बीके सीमा, बीके सुनीता और बीके प्रतीक समेत कई बीके सदस्यों ने व्यसन के दुष्प्रभावों के प्रति फैलाई जागरूकता। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल सुनील कुमार ने कार्यक्रम की प्रशंसा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।